गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सपना गुप्ता एंड आई होप कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे. एंड फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास प्लस टू. सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है. आपकी जो रेफरेंस बुक है वही आपकी जो आपने प्लस वन में फॉलो की थी, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जीवन संस पब्लिकेशंस की प्लस एनसीईआरटी. ठीक है, इन दोनों बुक्स को हम फॉलो करेंगे. तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा यहाँ पे, दैट इज अ चैप्टर 3. एलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस. बुक्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स आप सभी के पास होगी. इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगी, वहां से आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं. क्योंकि मैं आपको जो भी कराऊंगी, आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं बड़ी इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3, दैट इज एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द टर्म मैट्रिक्स. मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, इन दोनों वर्ड्स में क्या कनेक्शन है? एक्चुअली मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स. अगर हम एक की बात करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे मैट्रिक्स, अगर एक से ज्यादा की बात करेंगे तो मैट्रिसेस. ओके, नाउ मैट्रिक्स वर्ड, मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन, डेट इज ऑर्थर कैले, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने 1857 में मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. तो अगर हम मैट्रिक्स के डेफिनेशन की बात करें, सो द मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. डेट इज मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे. एरे मीन्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जस्ट लाइक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. हेयर नंबर्स में भी रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोथ, और फंक्शंस. हेयर नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव नंबर्स 1, 2, 3, 6, 7, 8. तो यू कैन सी कि मैंने नंबर्स को किस तरह से लिखा है. अगर आप मेरे पेन के मूवमेंट को देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैंने नंबर्स को अरेंज कर दिया है, जो कि मैंने अभी डेफिनेशन में बोला है कि इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे. और सेकेंड एग्जांपल सपोज ई रेज टू पावर एक्स 1, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे फंक्शंस भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैं फंक्शंस यूज कर रही हूँ एक सेकेंड एग्जाम्पल में, नंबर्स भी हैं फंक्शंस भी हैं. तो अगर आप देखें तो ये स्क्वेयर फॉर्म में अरेंज है एंड वी नो एवरी स्क्वेयर इज ए रेक्टेंगल. तो दोनों ही अरेंजमेंट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में है. ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. ओके, नाउ ये जो नंबर्स हमारे रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज हैं, इन नंबर्स को हम स्क्वेयर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे. स्क्वेयर ब्रैकेट में इनक्लोज करने के बाद आपके पास ये बन गई मैट्रिक्स. सो इट इज मैट्रिक्स. ओके, स्क्वेयर ब्रैकेट के अलावा आप पैरेंथेसिस का भी यूज कर सकते हैं. अगर आप कहीं बुक्स में देखेंगे तो कहीं पे स्क्वेयर ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, कहीं पे पैरेंथेसिस का यूज किया है. तो बोथ आर वैलिड, आप दोनों यूज कर सकते हैं. एंड मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो एक मैट्रिक्स के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट की हेल्प से उसको डिनोट करते हैं. तो वी कैन यूज कैपिटल ए. तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए कैपिटल ए इज इक्वल टू, एंड सेकेंड एग्जाम्पल के लिए कैपिटल बी इज इक्वल टू. तो मैट्रिसेस को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. ओके, और भी कोई एग्जांपल हम लिख सकते हैं. सपोज सी इज इक्वल टू 1 iota, 2 plus iota. जैसे कि मैंने बात करी कि जो नंबर्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और जो नंबर्स हैं वो
कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. तो इट इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. हियर नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. तो ये जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं मैट्रिक्स ए में 1, 2, 3, 6, 7, 8, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए. चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करने से पहले मैं यहां पे एक बात करना चाहूंगी. आप देख सकते हैं, आप मेरे पेन के मूवमेंट से देख सकते हैं, ये आपको जो नजर आ रही है दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके, एंड दीज आर वर्टिकल लाइंस. ओके, तो इन ईच एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज ऑफ ए मैट्रिक्स. रोज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें बात करें तो दिस इज रो, ओके, दिस इज फर्स्ट रो. सिमिलरली दिस इज सेकेंड रो. सिमिलरली दिस वर्टिकल लाइन्स, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स. तो दिस इज नोन एज कॉलम, कॉलम वन, एंड सिमिलरली दिस इज कॉलम टू. तो हेयर हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर नोन एज रोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, नाउ वी कम टू अवर टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. वट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें, सो द नंबर ऑफ रोज आर 1, 2, टू रोज हैं. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट जो बॉटम है हम नीचे हम लिख देंगे यहां पे नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज 2 है हमारे पास. कॉलम्स 1, 2, 3, कॉलम्स आर 3, बीच में हम क्रॉस डाल देंगे एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है 1, 2. सो द नंबर ऑफ रोज आर 2, देन क्रॉस एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3. तो 2 × 3 एंड वी आल्सो रीड इट बाय 2/3. 2/3 भी हम इसको बोल सकते हैं और 2 × 3 भी इसको कह सकते हैं. तो एक्चुअल में जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स से ऑर्डर की बात करें तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3. सिमिलरली वी कम टू मैट्रिक्स बी. अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ रोज आर 2, सो वी विल राइट 2 × एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1, 2, दैट इज 2 × 2. So therefore, the order of matrix B is 2/2. Similarly, order of matrix C is 2/2. And we can also take another examples. For example, we have a matrix D and 1, 2, 3. So, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि there is only one row, only one row. So we will write 1. And we have 3 columns, 1, 2, 3, to 1 × 3. So order of matrix D is 1/3. So this was all about order of a matrix. Okay, next we come to the topic elements of a matrix or entries of a matrix. Okay, so next topic पे जाने से पहले एक काम करते हैं. अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड. सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके पास कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, then what are the possible orders it can have, then what are possible orders it can have. Okay, तो हमें पता है कि हमारी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं. हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं. ओके,
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज और यहाँ पे आपको पहले रिवाइज कराना चाहूंगी. अभी हमने बात करी थी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 है. ओके, अगर आप मैट्रिक्स ए को ध्यान से देखें तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड 2 × 3 भी कितना होता है, 6. तो अगर किसी एलिमेंट्स के किसी मैट्रिक्स में सॉरी अगर रोज और कॉलम्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही आपका होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स. सिमिलरली मैट्रिक्स बी की बात करें तो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो है 2×2, तो 2 × 2 = 4, और अगर आप एलिमेंट्स का नंबर देखें तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं एंड 2 × 2 मल्टीप्लीकेशन इसका 4 है. तो इससे पता चलता है कि किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स के नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही आपका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. चलिए, तो अगर हम अपने क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो आपने बताना है कि उस मैट्रिक्स के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं. तो एक्चुअल में हमने करना क्या है, हमने वो दो दो नेचुरल नंबर्स के पेयर्स अपने मन में ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 18 बन जाए. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आप देख सकते हैं. हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो या तो उसका ऑर्डर 1 × 18 हो सकता है, मतलब उसमें 1 रो और 18 कॉलम्स हो सकते हैं, या फिर 18 × 1 भी हो सकता है, 18 रोज 1 कॉलम, और 2 × 9, और इट मे बी 9 × 2, और इट मे बी 3 × 6, और इट मे बी 6 × 3. आई थिंक और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो कि इस मैट्रिक्स के हो सकते हैं, या तो मैट्रिक्स 1/18 ऑर्डर की हो सकती है, मतलब उसमें 1 रो और 18 कॉलम्स हो सकते हैं. तो अगर 1 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, एंड इट इज गिवन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 18 है, और 18/1 भी हो सकता है, 2/9 भी हो सकता है, 9/2 भी हो सकता है, और 3/6 और 6/3. तो इसी के ऊपर बेस्ट एक क्वेश्चन और करते हैं. सपोज इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, सपोज उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर अब हम बात करें क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर 5 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबिलिटीज मेरे ख्याल से दो ही बनेंगी, या तो 1 × 5 या फिर 5 × 1. तो या तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/5 होगा, या फिर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 5/1. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, उनकी पोजीशन की बात करें, तो हम किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं. सो एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, देखिए, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, एंड द मैट्रिक्स इज 1, 2, 3, 0, 1, -1, एंड इट्स ऑर्डर इज 2/3, एंड एलिमेंट्स आर 6. चलिए, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स की. एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. अभी हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशन की बात करेंगे. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. चलिए, तो सबसे पहले एलिमेंट्स यहाँ पे 6 है. अगर हम 1 की बात करें जो कि हमें नजर आ रहा है, हमने एक्चुअली ये पता करना है कि ये 1 जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में इसकी क्या पोजीशन है, ये कहाँ पर है. अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 1 है एक्चुअल में ये फर्स्ट रो में है, इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड इट लाइज इन फर्स्ट कॉलम. तो इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, पोजीशन स्मॉल ए. एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए हम स्मॉल इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट्स की हेल्प लेते हैं, और एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स लेते हैं. सो वी विल यूज स्मॉल अल्फाबेट, दैट इज स्मॉल ए. और मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ 1, 1. एक्चुअल में जो पहला 1 है ये यहाँ पे पोजिशन बता रहा है रो की, कि ये एलिमेंट किस रो में है, और जो सेकेंड 1 है वो उस पोजिशन को बता रहा है कि ये एलिमेंट किस कॉलम में है. तो A111, इट मीन्स दिस एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो एंड इन फर्स्ट कॉलम. सेकेंड, अगर हम 2 की बात करें तो इसकी पोजीशन हो गई A12. इट मीन्स इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड इन सेकेंड कॉलम. सिमिलरली 3 की अगर बात करें तो इट्स पोजीशन विल बी A13.
That means it lies in first row and third column. You can see 3 lies in first row and in third column. 2 lies in first row and second column. And 1 lies in first row and first column. Similarly, 0. 0. You can see 0 lies in second row and in first column. So, pehle 2 aayega, second row hai and column is first. Second, 1. 1 lies in second row, second column. Similarly, minus 1 lies in second row, third column. So, A11, A12, A13, A21, A22, A23, all these represents the positions of elements of matrix A. अगर अब हम इस चार्ट को अगर हम जनरलाइज करें तो हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, मैं आपको इसमें आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसको जनरलाइज कैसे करेंगे आप देख सकते हैं. तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट, और हम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हैं ए आई जे. मतलब हमने इन सभी एलिमेंट्स को जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है ए आई जे. तो ए आई जे एक्चुअल में यहाँ पे एक मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई यहाँ पे रो की पोजीशन बता रहा है कि कौन सी रो है, और जे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा कॉलम है. और यहाँ पे मैं राइट यहाँ पे बॉटम पे लिख रही हूँ एम बाय एन. यहाँ पे एम नंबर ऑफ रोज को बता रहा है और एन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में एम टू है और एन थ्री है. तो ये अभी जो है टॉपिक था डेट वॉज रिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. तो हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट की पोजिशन यहाँ पे बता सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपको कोई मैट्रिक्स सपोज गिवन है बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 1, 2, और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ एलिमेंट 6. तो 6 की जो पोजिशन है अगर हम देखें तो इट लाइज इन सेकेंड रो एंड इन सेकेंड कॉलम. तो जो 6 एलिमेंट है वो बन जाएगा आपका A22. A22 इज इक्वल टू 6. सो द पोजिशन ऑफ 6 इज A22. तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की पोजिशन बता सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये आज का जो भी हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर की हेल्प से अगर आप एनसीईआरटी या फिर अगर आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक को देखते हैं तो उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आप उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, शुरू के जो 1-2 क्वेश्चंस है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. आई होप कि आप ट्राई करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इससे जो आगे हैं वो कंटिन्यू करेंगे. तो तब तक के लिए बाय.